हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ मैन वेइंग ऑफ 80 किलोग्राम स्टैंडिंग इन द ट्रॉली वेइंग 320 किलोग्राम। द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रेल्स। इफ द मैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन द ट्रॉली विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर 4 सेकेंड हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टू द ग्राउंड विल बी। तो ये आपकी ट्रॉली हो गई, मान लो इस तरह से, दिस इज योर ट्रॉली, अ लॉन्ग ट्रॉली बेसिकली, है ना। This is a long trolley and placed on the frictionless surface, and there is a person standing on the trolley and start walking in the horizontal direction with some velocity of 1 meter per second. तो अगर ये 1 meter per second है तो with respect to plank or trolley, he will travel कितना distance travel करेगा? 1 into 1 meter per second चल रहा है, 4 सेकेंड, दैट विल ही विल ट्रेवल 4 मीटर, 4 मीटर ट्रेवल कर जाएगा। लेट द ट्रॉली विल मूव कैपिटल एक्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हम ही जानते हैं पहली बात, बिकॉज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम is zero, hence the axiom is always constant. So axiom is constant, that means displacement of center of mass is zero. m1 del x1 plus m2 del x2 and divide by of m1 plus m2, yehi aapka change in center of mass hai, lekin zero aa jayega. So hence m1 del x1 plus m2 del x2 must be equal to zero. तो आप अगर अपन देखें यहाँ से, तो m1 और del x1 कितना है, तो आप ये मान लो कि आपका m1 बंदा है, मास है 80 किलोग्राम वाला, तो ये देखें 80 into del x1, ये कितना चला, ये चला 4, कहाँ पर, विद रेस्पेक्ट टू दिस। लेकिन ये प्लैंक चला कितना x, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चला बेसिकली, 4 - x, ठीक है, प्लस m2 बोर्ड कितना है 320, ये कितनी चली -x, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 320 - 80 प्लस 320 - 320, तो ये हो जाएगा आपका 320 + 320 640। तो 640 डिवाइड बाई ऑफ 320 + 80 इज 400, कुछ गलत नहीं कहना, 320 - 80x -320x, तो ये हो जाएगा आपका 320 में और 80 400। तो ये जो आपका एक्स आएगा, तो वो एक्स आ जाएगा बच्चों, ये एक्स आ गया आपका, 0 से 1 0 गया, और ये हो गया आपके पास 1.6 मीटर एक्स आ गया। लेकिन ये एक्स जो आया है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक है, हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टू द ग्राउंड विल बी, displacement of the person with respect to the ground। तो displacement कितना हो जाएगा इसका with respect to ground, ये चला कितना है 4, तो इसका displacement हो जाएगा 4 - x, तो ये हो जाएगा 4 - x is your 320 - 320 640, सही कहा हमने 1.6, तो 1.6 हो गया, तो ये आना चाहिए अपना 2.4, एक बार चेक कर लेते हैं, गलती करिए अपन ने, ट्रॉली वेइंग 320 एंड 80 ये खुद है, ट्रॉली इज रेस्टिंग फ्रिक्शनलेस इफ द मैन स्टार्ट वॉकिंग द ट्रॉली विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टू ग्राउंड विल बी। तो 4 सेकेंड में कितना चल जाएगा वो, 1 into 4 4 मीटर चल जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट स्पीड चल रहा है वो, ठीक है, 4 मीटर चल चुका है, लेकिन वो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में चला है, ट्रॉली जो है वो मान लो एक्स पीछे चल गई पीछे, और हम जानते हैं क्योंकि नेट फोर्स जीरो, तो सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व्ड, तो m1 del x1 + m2 del x2 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो 80 into 4 - x + 320 - x इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, तो ये हो गया 8 into 4 320 - 80x + 320 - 320x इज इक्वल टू जीरो, तो 80 + 320 400 हो गया, तो और 320 + 320 640 हो गया, तो 640
इज अपॉन 400 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स कितना आ गया यहाँ से 1.6 मीटर। तो ये 1.6 मीटर तो क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लैंक का। तो पर्सन का कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब क्योंकि ग्राउंड का स्प्रिंग देखूंगा तो ये चला पीछे 4 4 माइनस ऑफ 1.x, 2.4 होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन हमारा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक बार लास्ट में अपन कर लेते हैं सॉल्व, उसके बाद देखते हैं करेक्शन बनता बना देंगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेता हूँ दोबारा क्वेश्चन। अ मैन वेइंग 80 किलोग्राम इज स्टैंडिंग इन अ ट्रॉली वेइंग 320 किलोग्राम, द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रेल्स इफ द मैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन द ट्रॉली। With speed of 1 meter per second, a man weighing 80 kilogram is standing in a trolley weighing 320 kilogram. The trolley resting on frictionless horizontal rails. अच्छा, अपन गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं पता है तुमको? इतनी बड़ी गड़बड़ करते हैं अपन यार। देखो सही, अपन इसको दो बार क्यों जोड़ रहे हैं यार, 320 तो होगा ये। इट इज 320 माइनस 80x माइनस 320x इज इक्वल टू 0, यही तो होगा। तो बच्चों यहाँ जो आएगा वो 320 आएगा, अपन यही गड़बड़ कर रहे थे बस। मैं ये बोलूँ यार, सब चीज़ सही कर रहे हैं, गड़बड़ कहाँ हो रही है? तो ये क्या बन गया, अब यहाँ से ये आपका बन गया है ना, ये देखो। तो ये आ गया आपका एक्स इज इक्वल टू 320 अपॉन 800, सॉरी 400। तो एक्स कितना आ गया, 0.8 मीटर, ये आया आपके पास एक्स 0.8। तो अगर ये 0.8 मीटर आ गया तो अब बंदा कितना चला है ना, कर बस सही रहते, कैलकुलेशन मिस्टेक थी बस। 3.2 को प्लेस करना है अपन को, 3.2 को प्लेस कर दो भाई, यहाँ पर 1.0.8 आ गया, तो कितना हो गया 3.2 मीटर, ये चला बंदा। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑल द बेस्ट।